इसके पहले आपके क्लास अर्थात 3, 4 और 5 में हमने डिस्कशन किया था फूड एंड इट्स डाइजेशन पर। आज का टॉपिक होगा उसी से रिलेटेड टॉपिक्स है, फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और पोषण। तो भोजन और पोषण, फूड एंड न्यूट्रिशन, ये आपका माने फूड वर्ड जो है वह न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो आप जान लो कि व्हाई वी टेक फूड, हम लोग भोजन क्यों करते हैं। तो आपको ये पता है कि फूड गिव्स अस एनर्जी, भोजन हमें ऊर्जा प्रदान करता है। फूड, भोजन करने का पावर, फूड गिव्स अस एनर्जी। दूसरा काउच या शरीर के ग्रो में भाग लेता है, हेल्प करता है। इट हेल्प टाइट टेक्स पार्ट इन ग्रोथ ऑफ बॉडी। कौन? भोजन। इट टेक्स पार्ट इन द ग्रोथ ऑफ बॉडी। ये शरीर के ब्रीदिंग में हिस्सा लेता है। इट रिपेयर्स आवर सोमैटिक सेल्स, यह हमारे शरीर के कोशिकाओं की मरम्मती भी करता है। इट ऑल्सो रिपेयर, इट ऑल्सो रिपेयर आवर ब्रेकिंग सेल, टूटे हुए कोशिकाओं की भी मरम्मती भोजन करता है। ड्यू टू दिस काउच, इसी कारणों से ये तीन कारण जो है हमारे, इन्हीं कारणों से हम क्या करते हैं, भोजन लेते हैं। ये भोजन मस्त है, विदाउट फूड हमारा ये स्केलेटन है ये स्टैंड रह ही नहीं सकता है, या स्केलेटन का कोई भी ऑर्गन किसी भी काम को परफॉर्म नहीं कर सकता है। बच्चों, तो लाइफ एक्टिविटीज या लाइफ प्रोसेस को सुचारू रूप से चलते रहने के लिए, मेंटेन के लिए, ये फूड मोस्ट नेसेसरी फैक्टर्स है फॉर एवरी ऑर्गेनिज्म या फॉर ईच ऑर्गेनिज्म, प्रत्येक जीवों के लिए। बच्चों, और ये फूड जो है
ये ऑलवेज रिलेटेड ए वर्ड्स विच इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. ये फूड रिलेटेड होते हैं न्यूट्रिशन से. किससे? न्यूट्रिशन सबसे. इनका रिलेशन होता है. तो क्या होता है न्यूट्रिशन? वो प्रोसेस व्हिच मेंटेन्स आवर लाइफ प्रोसेस कॉल्ड न्यूट्रिशन, जो हमारे जैविक क्रियाओं का, जिस प्रोसेस के द्वारा हमारा लाइफ प्रोसेस का मेंटेनेंस होता है, अनुरक्षण होता है, उसी को बच्चों हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. तो अभी तो आपके बुक्स में, आपके सिलेबस में केवल न्यूट्रिशन का डेफिनेशन है. आपको जानना है, नेक्स्ट क्लास सीनियर क्लास में आप जाएंगे तो आप न्यूट्रिशन के स्टेप्स को भी पढ़ेंगे. यहां आपका ये न्यूट्रिशन का कोई स्टेप्स आपके बुक में प्रेस्क्राइब नहीं है, आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब नहीं है, इसलिए मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं. केवल आप ये परिभाषा जान लें कि द प्रोसेस विच मेंटेन्स आवर लाइफ प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन. वर्ड प्रक्रम जिसके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, मेंटेनेंस होता है, जैविक क्रियाओं का अनुरक्षण होता है, वह आपका क्या कहलाएगा? लाइफ प्रोसेस. द प्रोसेस व्हिच मेंटेन्स, द प्रोसेस व्हिच मेंटेन, व्हिच मेंटेन आवर बायोलॉजिकल, ये लाइफ प्रोसेस व्हिच मेंटेन आवर लाइफ प्रोसेस इज नोन एज क्या कहलाएगा? न्यूट्रिशन. मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी हमने देखा कि न्यूट्रिशन क्या है, भोजन मेरे लिए क्यों जरूरी है. अब इसी चैप्टर में, आपके सिलेबस में, आपके बुक में ये मेंटेन है, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. व्हाट आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड? भोजन के मुख्य या भोजन के विभिन्न अवयव क्या होते हैं? तो डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, नाउ वी शैल टीच यू अबाउट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड. डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, भोजन के विभिन्न अवयव. बच्चों, ये भोजन के विभिन्न अवयव निम्नांकित है. पहला अवयव कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट्स. दूसरा अवयव फैट. तीसरा अवयव प्रोटीन. चौथा अवयव विटामिन्स. पांचवा अवयव मिनरल्स. छठा लिपिड्स. लिपिड्स. लिपिड्स और सातवां वाटर. दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ फूड, डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. विदाउट दिस कंपोनेंट्स, इफ एनी कंडीशन हेयर एनी वन कंपोनेंट विल नॉट गेट ऑफ आवर बॉडी, देन आवर बॉडी विल सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज.
तो अगर ये सभी कंपोनेंट या इसमें से किसी भी कंपोनेंट की कमी हमारे बॉडी को हो जाता है, इनकी आपूर्ति नहीं हो पाती है, तो हमारा बॉडी ये सुचारू रूप से काम नहीं करेगा। था उसमें शरीर में डेफिशिएंसी डिजीज हो सकते हैं डिफरेंट टाइप के, अभाव जनित रोग। तो आइए बच्चों, अब हम बारी बारी से सभी कंपोनेंट्स की चर्चा करेंगे। तो ये कार्बोहाइड्रेट पहले हम जान लो, जानना भी चाहिए, ये कार्बोहाइड्रेट गिव्स अस एनर्जी या दैट फूड हुज कंटेन कार्बोहाइड्रेट। तो एनर्जी इसमें होते हैं, ये बॉडी को कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रदान करते हैं। बच्चों तो सबसे पहले जानो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनने वाला केमिकल कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। और वैसे भोजन जिससे बॉडी को एनर्जी प्राप्त होता है, भोज्य पदार्थ वे सभी कार्बोहाइड्रेट ग्रुप में संचित होते हैं। बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट्स पेट भरने के लिए अति आवश्यक हैं। आप कुछ भी खा लोगे लेकिन जब तक आप कार्बोहाइड्रेट्स का यूटिलाइज अपने फूड में नहीं करोगे, आपका फूड वह कंप्लीट नहीं हो सकता है। तो बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट जो है इनके सोर्स कि क्या सब है, सोर्स क्या सब स्रोत है सो जान लो। राइस ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, फिर पैडी पैडी और राइस एक ही चीज है ना, व्हीट गेहूं जिसको बोलते हो ये कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट के सोर्स। पोटैटो आलू ये कार्बोहाइड्रेट के चीफ सोर्स। उसके बाद शुगर केन, शुगर केन जिसको आप ईंट बोलते हो, जिससे चीनी बनती है, गुड़ बनती है, इनके जूस से ये कार्बोहाइड्रेट के स्टीप सोर्स। स्वीट पोटैटो ये कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, एक्सेट्रा ये सभी कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। और बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट कुछ जीवों में एक विशेष केमिकल कंपाउंड के रूप में संचित रहते हैं जिसे हम स्टार्च बोलते हैं, यानी प्लांट में, पौधों में ये कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में संचित रहते हैं। बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स स्टोरेज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स।
पौधों में। और बच्चों ये जान लो, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी रिक्वायरमेंट की पूर्ति होती है। ये कार्बोहाइड्रेट बॉडी को एनर्जी की आपूर्ति करते हैं, इट सप्लाइज या इट गिव्स एनर्जी ऑफ आवर बॉडी बच्चों कार्बोहाइड्रेट्स के अधिक सेवन से एक रोग हो जाता है, लेजीनेस डलनेस की बीमारी हो जाती है, जिस बीमारी को हम बोलते हैं क्वास क्यों या आफ्टर ये कमी होने के बाद भी ये क्वास कोर रोग हो जाता है और अधिक रहने पर बॉडी डलनेस कंडीशंस उत्पन्न होते हैं आफ्टर मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट आफ्टर टैकिंग ऑफ मैक्सिमम कार्बोहाइड्रेट। तो ये अगर हम कम हमें हमारे शरीर को कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट मिलता है तो एक रोग हो जाता है, जिस रोग को बोलते हैं क्वास क्यों डिजीज, शॉर्टेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के अभाव में ये क्वास क्यों रोग हो जाता है। तो ये देख लिया, जीना है इस धरती पर, जब तक कब रहेंगे तो बॉडी के एनर्जी रिक्वायरमेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ आवर बॉडी, हमें कार्बोहाइड्रेट युक्त भोज्य पदार्थ जैसे ब्रेड रोटी और चावल का हमें सेवन करना ही पड़ेगा, या तो हम जिस मात्रा में हमारे बॉडी का रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हमें लेना ही पड़ेगा बच्चों कार्बोहाइड्रेट। आपने देखा कि मैक्सिमम लेने पर आपका क्या होता है, तो ये शरीर डल हो जाता है, बेकार सुस्त हो जाता है, अधिक कम लेने पर ये क्वास क्यों रोग होने लगता है। तो बच्चों ये कार्बोहाइड्रेट एनर्जी युक्त भोज्य पदार्थ। दूसरा फूड कंपोनेंट आपका है फैट, फैट आपका सेकेंड फूड कंपोनेंट है। तो बच्चों ये फैट जिसको आप वसा बोलते हो, ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, जो केमिकल कंपाउंड इट इज ऑल्सो ए केमिकल कंपाउंड, ये भी तीन प्रकार के एलिमेंट्स कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों एलिमेंट के संयोग से बने होते हैं बच्चों।
दैट मीन इसमें तीनों एलिमेंट पाए जाते हैं और कार्बन, ये कार्बोहाइड्रेट और ये फैट के कंपेरिजन करने पर हम ये पाते हैं कि कार्बोहाइड्रेट ये फैट में मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम अमाउंट में क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट में अधिकांश मात्रा में क्या होते हैं, तो फैट ये ऑक्सीजन पाए जाते हैं बच्चों। इसके बाद है आपका ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्स या सोर्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट के मुख्य सोर्स जो है यह एग, बटर, घी, सोर्स मतलब स्रोत, एग्स आप समझते हैं, बटर जिसको मक्खन बोलते हैं, घी, घी वायर, ये सारे सोर्सेस जो है ये कार्बोहाइड्रेट के हैं बच्चों। इसके बाद ये वायर एक्सेट्रा कर दीजिए आप, ये सभी सोर्स या डालडा भी लिख सकते हो, डालडा एक्सेट्रा, ये सभी सोर्स जो है कार्बो ये फैट के हैं। और बच्चों ये फैट, फैट से बॉडी को अधिक से अधिक एनर्जी की आपूर्ति होता रहता है, मैक्सिमम एनर्जी बॉडी को मिलता है फैट से। ये फैट मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर, मेंटेन आवर बॉडी टेम्परेचर। ये फैट हमारे शरीर के ताप को मेंटेन रखते हैं बच्चों। और जब इनका परसेंटेज शरीर में बढ़ जाता है तो ये बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं कोलेस्ट्रॉल के रूप में, ये स्टोर इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कब, जब इनकी मात्रा अधिक हो जाती है, जिस कारण से शरीर क्या हो जाता है, हमारा बेगौर हो जाता है, यह अलग एस्टोमैक पोर्शन में ये स्टोर होते हैं बच्चों का, ये नेचर है। वैसे बॉडी के जनरल पार्ट में, लेकिन मेन चीफली ये बॉडी के स्टोमैक पोर्शन में ये स्टोर होते हैं। देखते हो किसी किसी व्यक्तियों का शरीर ज्यादा निकल जाता है, एब्डोमेन ज्यादा निकल जाता है, शरीर उनकी बेगौर हो जाती है, तो ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फैट। तो ये इट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन एब्डोमिनल रीजन। बच्चों उसके बाद ये फैट भी जरूरी है, अगर फैट नहीं मिलेगा तो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रहेगा। तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए फैट मस्ट है, बट इसका सीमित मात्रा, इन्हें लिमिटेशंस में हमें लेना है अकॉर्डिंग टू आवर फूड का जो चार्ट होता है, उस चार्ट के मुताबिक हमें पर डे जिस हिसाब से हमारे बॉडी को एनर्जी की आवश्यकता होती है उस हिसाब से हमें इसे लेना चाहिए। अनिवार्य तो है, बहुत ही अनिवार्य है, लेकिन उसके
रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इसे प्राप्त करते हैं। उसके बाद बच्चों तीसरा फूड कंपोनेंट आपका है प्रोटीन्स। तीसरा फूड कंपोनेंट प्रोटीन्स। प्रोटीन ये बच्चों ये भी एक केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड, केमिकल कंपाउंड। और ये कि कौन कौन से एलिमेंट से बने होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, फास्फोरस, सल्फर एक्सेट्रा एलिमेंट से ये निर्मित होते हैं। देखो इतने चीज अगर आप प्रोटीन लेते हो तो आपके बॉडी को इतने तरह के एलिमेंट्स की पूर्ति होती रहती है। और बच्चों इसका सोर्स जो होता है प्रोटीन का, चिप सोर्स, पल्स, दाल, मिल्क, फिश, मिल्क फिश। उसके बाद बच्चों ये चीज, चिकन, चीज मतलब सोचते हो ना पनीर, चीज, चिकन एक्सेट्रा, ये प्रोटीन के सी चीप सोर्स है बच्चों। और ये प्रोटीन हमारे शरीर को के ग्रोथ के लिए एंड रिपेयर के लिए निसेसरी है। इट इज निसेसरी, इट इज निसेसरी, इट इज निसेसरी है, इट इज निसेसरी, यह जरूरी है फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ ब्रेकिंग सेल्स। इट इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी, फॉर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड रिपेयरिंग एंड रिपेयर ऑफ एंड रिपेयर ऑफ ब्रेकिंग सेल, ब्रेकिंग सेल्स ऑफ आवर बॉडी। इसलिए इसे बॉडी बिल्डर कहा जाता है। सो इसलिए इसको सो इट इज कॉल्ड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, also called body builder, शरीर निर्माता। बच्चों ये body builder तो proteins। आइए हम देखेंगे proteins के बाद minerals। तो बच्चों minerals के बारे में हम जानेंगे। चलिए मिनरल्स, खनिज, मिनरल्स, मिनरल्स, खनिज। तो मिनरल्स आर यूज इन द बॉडी टू सपोर्ट केमिकल रिएक्शन इन फॉर्म बॉडी स्ट्रक्चर। मिनरल्स आर यूज्ड इन द बॉडी टू सपोर्ट
आर यूज्ड इन द बॉडी टू सपोर्ट बॉडी स्ट्रक्चर एंड केमिकल रिएक्शंस एंड बॉडी स्ट्रक्चर्स ये मिलना जरूरी है। केमिकल रिएक्शन और शरीर के संरचना के लिए। उसके बाद बच्चों इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ बोन टीथ एंड ब्लड इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कौन मिनरल्स इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ bones, comma, teeth and blood etc. and blood etc. बच्चों minerals के अभाव में विभिन्न प्रकार के अभाव जनित रोग हो जाते हैं शरीर में। ये रोग है एनीमिया, जिसे हम रक्तहीनता बोलते हैं। एनीमिया कॉजेज एनीमिया कॉज इन बॉडी इन शॉर्ट ऑफ या इन द बॉडी आफ्टर लैकिंग अभाव के बाद। तो बच्चों ये तुम्हारा मिनरल्स है। मिनरल्स ये इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स, ये हमारा इनऑर्गेनिक और कार्बनिक लवण केमिकल कंपाउंड है। तो मिनरल बताओ, उसके बाद हम देखेंगे विटामिन। ये हमारा कंपोनेंट जो है फूड कंपोनेंट्स, विटामिन तो विटामिन की चर्चा हम करने जा रहे हैं बच्चों। तो विटामिन जो है ये भी बॉडी ऑर्गन्स के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं, बोन्स के फॉर्मेशन में भाग लेते हैं और विभिन्न प्रकार के डिजीज को से फाइट करते हैं। विटामिन ये भी इट इज ऑल्सो ए इनऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिक है। ये इट ऑल्सो टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सीधे करो बॉडी स्केलेटन और इसके अभाव में विभिन्न प्रकार के रोग हो सकते हैं, जिसे हम अभाव जनित रोग या डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं,
deficiency causes, it causes deficiency disease. Deficiency disease. जैसे night blindness, rickets, और क्या कहते हैं scurvy, ये सभी के सभी रोग अभाव जनित रोग कहलाते हैं, और ये रोग विटामिन के अभाव में होने वाले रोग है बच्चों। इसके बाद रफेज, भोजन में रेशेदार भोज्य पदार्थों की भी अनिवार्यता है, इसके बिना आपका भोजन डाइजेस्ट नहीं हो सकता। तो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए रफेज या रेशेदार भोज्य पदार्थों का सेवन करना अति अनिवार्य है। जब तक हम इसे नहीं करेंगे, हमारे भोजन का डाइजेशन सही रूप से नहीं होगा, तो ये हमारे स्टोमेक के अंदर कंस्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाता है। अब पूछ सकते हो कि सर रेशेदार भोज्य पदार्थ क्या, तो आप रेशेदार भोज्य पदार्थ में भी रोटी का सेवन, सलाद का सेवन, कच्चे सलाद का सेवन जितना अधिक करते हैं वो आपके पेट के लिए अनिवार्य है, अति आवश्यक। लास्ट में बच्चों, वाटर का सीधा संबंध होता है भोजन के पाचन से। आप भोजन में अगर पानी का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करेंगे तो डाइजेशन सही रूप से नहीं हो पाएगा। तो भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए वाटर मस्ट है, और खाने के तुरंत साथ पानी पीने का जो हमारा हैबिट है वो हैबिट नहीं होनी चाहिए। थोड़ा गैप करके भोजन के बाद आधे घंटे के बाद 15 मिनट कम से कम के बाद हम पानी अगर लेते हैं तो हमारे डाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं हमारे अंदर शरीर में हो सकता बच्चों। तो ये आपका हो गया डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ फूड्स बच्चों। तो आज इतना ही, आप पढ़ेंगे आगे, फिर हम नेक्स्ट डे हम बैलेंस डाइट पर चर्चा करेंगे, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे बच्चों। धन्यवाद बच्चों।